हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष मनाली और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग चैनल। तो आज हम बनाएंगे भट की डुबके, जो ये उत्तराखंड का स्पेशल डिश है और ये पहाड़ों में बहुत बना के खाया जाता है। तो ये आज मेरी नानी अपने हाथों से बनाएंगी, तो इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा और ये रेसिपी आप सीखते रहिएगा। तो मिलते हैं आगे इस वीडियो में, बने रहिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी रेसिपी सीखते रहिएगा और घर में बना के अपने पूरे परिवार को खिलाते रहिएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं गाइस, ये है भट के दाने, जिसको सोयाबीन के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक सोयाबीन। और ये पहाड़ी दाल है, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। और गाइस, ये भटके डुबक बनाने के लिए इसको रात भर भिगाना पड़ता है, बट हम भिगाना भूल गए थे। तो अगर आप भी ऐसी कोई गलती करें तो सुबह उठ के गर्म पानी में इसको उबाल के, नहीं उबालना नहीं हुआ, गर्म पानी में भिगोना हुआ, ताकि ये रात वाले जो जैसे अच्छे तरह से भीग जाते हैं वो भीग जाएंगे। और चलो अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए भट भिगोए सुबह पहले गर्म पानी में, फिर मिक्सी में पीस लिए। अब इसमें थोड़ा सा आलन पड़ेगा आटे का, थोड़ा सा चावल का पड़ता है लेकिन चावल का आटा है नहीं, तो फिर गेहूं का आटा थोड़ी सी एक मुट्ठी इसमें, जो ये मिक्स हो जाए, है ना। बस अब ये तैयार है सब, अब छौंक लगाती हूँ। और ये है पहाड़ी डिश, पहाड़ी डिश बहुत बढ़िया होते हैं, खा के देखना कभी। इसके फायदे क्या हैं? फायदे क्या, ये सर्दियों में खाया जाता है, ज़्यादातर गर्म होता है भट, सर्दियों में लोग ज़्यादा भट का खाना खाते हैं। भट के डुबके बनते हैं, भट की चुटकानी बनती है, भट का जौला बनता है, चावल और भट मिक्स करके सर्दियों में ही खाया जाता है। और क्या खास बात कुछ पता नहीं है। और क्या दिखाओ तो सही। आटा देख भूल रही हूँ, फिर इसमें मिक्स कर दूंगी, तो ये नहीं तो अलग अलग वो हो जाता है। आटा जरूर डालना पड़ता है थोड़ा सा, चावल का आटा हो तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं है तो नहीं होने में गेहूं का आटा भी चलता है। ये घोल रही हूँ, ये घोल इसमें डाल दूंगी, पक जाता है। फिर इसमें हींग जीरे का तड़का लगता है और क्या है? ये रखी गैस में कढ़ाई, अब इसमें सरसों का तेल डालूंगी। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालेगा। और क्या था, इसमें मसाला डालेगा। ये हींग पीसी जा रही है, हींग पीस रही है और डले वाले हींग है, सख्त हो रही है। हींग आई है कमला नगर घंटा घर से, वहाँ हींग बनती है, बहुत अच्छी हींग है, खुशबू आ रही का।
स्कूल से देना। अभी तो थोड़ी हींग डाली है, इसमें डाल दी हींग। अब इसमें डाल दूंगी हल्दी, हल्दी डल जाएगी उसके बाद में डालूंगी, नहीं तो मिर्ची को आ जाती है भाई। सर डाला है हमने उसका भटका घोल जो पीस रखे हैं, भट डाल दिया। पहले बहुत पतला करना पड़ता है, बनते बनते गाढ़ा हो जाता है। फिर ये देखो अब इसमें डाल दूंगी आटा जो भी घोल के रखा हुआ है। ये इसमें नमक और मिर्च और डालना है, वो आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो स्वाद जैसे खाते हो उस हिसाब से बनेगा। बन जाएंगे फिर चावल बनाएंगे, चावल के साथ खाएंगे भटका डुबका, फिर डुबके खाएंगे चावलों से। रोटी से नहीं अच्छे लगते, चावल से ज़्यादा अच्छे लगते। स्वाद जितना खाते हैं बच्चे उस हिसाब से, और स्वाद अनुसार नमक तो पड़ता ही है। भटके बन गए, भटके बनने में 1 घंटा लगेगा। गाइस ये बन गए हैं भटके डुबके, गाढ़ा हो गया ये यार। और ये आप खाइए पहाड़ी डिश, और इसके साथ है चावल भात।